बिना अनुरोध है या इन सुभाषी वजनों के हम सब काम मार्ग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती पर आधारित आज के इस क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गुजरात के माननीय राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, कार्यकारी सभासद कृषि लद्दाख शिष्टान जिन चौसफेल, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर योगिता राणा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कृषि विश्वविद्यालयों के मान्य कुलपतिगण, कृषि विशेषज्ञगण, प्राकृतिक खेती में जिन अन्नदाता किसानों ने एक अच्छी शुरुआत की है, ऐसे सभी उपस्थित हमारे अन्नदाता किसान और अन्य उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्राकृतिक खेती विज्ञान से संबंधित इस क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम में मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, प्राकृतिक खेती के लिए जिन्होंने एक बड़े जन जागरण अभियान को अपने हाथों में लेकर के इसे सफलता की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, ऐसे आचार्य देवव्रत जी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आचार्य जी ने भारत की ऋषि परंपरा को, जो धरती माता के प्रति हम सबके आग्रह को प्राचीन काल से पौराणिक काल से ही हर भारतवासी को आग्रही बनाती रही है, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस धरती माता को बचाने के एक संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। न केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात आज आचार्य जी के इन कार्यक्रमों का उदाहरण बना हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और देश के उज्जवल भविष्य के प्रति जो भी व्यक्ति आशा भरी निगाहों से आगे बढ़ता है, देखता है, उन सब की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर भारत सरकार के माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी भारत सरकार में मंत्री बनने के उपरांत आज उनका लखनऊ आगमन प्रथम बार हो पाया है। मैं सबसे पहले उनके आगमन के लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कृषि उत्पादन की दर को देश के अंदर सर्वाधिक करने का गौरव भी उन्हीं के ऊंचाता है। उन्होंने मध्य प्रदेश जैसे राज्य में वहां के किसानों के कल्याण के लिए जो अद्भुत कार्य किया था अपने मुख्यमंत्री तो काल में, वो आज भी देश के अंदर उदाहरण है।
और इसीलिए मध्य प्रदेश के उनके अनुभव और आज प्राकृतिक खेती के साथ कृषि और किसान कल्याण के साथ साथ ग्रामीण विकास के एक अद्भुत मॉडल देश की जनता उनके अनुभव का लाभ लेकर के देखना चाहती है और जिससे आज उनका मार्गदर्शन यहाँ पर आए हुए हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ इस संवाद के इस कार्यक्रम में मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति का लाभ अन्न उत्पादन करने में और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में प्राप्त हुआ, लेकिन यह अधूरा सच है। अगर आप 17वीं और 18वीं सदी के भारत के कुछ उन प्रांतों का जिन्होंने अपने स्तर पर उन राज्यों में उन क्षेत्रों में कार्य किया था वहां की प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक पद्धति से किए जाने वाली खेती के और उससे उत्पादन की उस दर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो पिछले 100-150 वर्षों के अंदर देश को पढ़ाया गया तो उसमें कितना अंतर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने और मैं चाहूंगा कि हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब धरती वास्तविक प्राकृतिक रूप में थी और उसमें समय के अनुरूप खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया तो देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र इसके उदाहरण हैं जहां पर हरित क्रांति के पहले उत्पादन खेती की ज्यादा थी। इसके बाद कुछ समय के बाद ठहराव आने के बाद जब उन क्षेत्रों में हरित क्रांति के बाद आधुनिक फर्टिलाइजर केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग होना प्रारंभ हुआ उस समय के लिए हमें उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई तो दिया, लेकिन आज उसके दुष्प्रभावों से हम इस जीव सृष्टि को बचा पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वो सीधे जहर के रूप में नहीं आ रहा है, लेकिन एक स्लो पॉइजन के रूप में वह हर व्यक्ति की धमनियों में घुसता जा रहा है और ये केवल मनुष्य के लिए नहीं। अभी 2 वर्ष पहले की घटना है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग निराश्रित गो आश्रय स्थल संचालित करते हैं। लगभग हमारे पास 12 लाख से अधिक गोवंश निराश्रित गो आश्रय स्थलों में है, जिनमें से 11 लाख का व्यवस्था प्रदेश सरकार संचालित करती है। 1 लाख गोवंश किसानों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर दे रखा है, जिसमें एक किसान को केवल हम 4 गोवंश तक ही अनुमन्य करते हैं। हर महीने उसका वेरिफिकेशन होता है, गाय सुरक्षित है, हृष्ट पुष्ट है कि नहीं है। अगर है और सुरक्षित है तो हम उसे प्रति गाय हर महीने 1500 रुपये उस किसान के परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। 4 गाय पर 6000 रुपये महीने हर महीने उसको उपलब्ध होते हैं। और तीसरी योजना है कुपोषित धात्री या बच्चे के लिए, उस परिवार को इस निराश्रित को आश्रय स्थल से ब्याई हुई गाय हम उपलब्ध करवाते हैं और ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाने के बाद उस गाय से हम लोग वहां पर उस गाय को देने के साथ साथ उस परिवार को एक प्रतिमाह 1500 रुपया भी हम उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। इस व्यवस्था को ले जाने के बाद जब हम लोग देखते हैं कि काफी अच्छे पैमाने पर जिन लोगों ने इस पे काम करना प्रारंभ किया उसके अच्छे उदाहरण भी सामने आए। लेकिन हमारा अमरोहा में एक निराश्रित को आश्रय स्थल था, अचानक वहां पर 12-14 गाय मर गई। हमने लखनऊ से टीम भेजी,
आईवीआरआई बरेली की टीम भी हमने वहां भेजी, अन्य विशेषज्ञों को भी मैंने भेजा। मैंने कहा मौत का कारण क्या है, अचानक किसी ने जहर तो नहीं दे दिया? देखा गया कोई जहर नहीं। फिर हमने चारे का परीक्षण करवाया तो पता लगा कि चारे में फर्टिलाइजर इतना ज्यादा पड़ चुका था कि उसके बाद उस वो गाय मरी है। और बड़े पैमाने पे इस प्रकार की घटनाएं मैं 2-3 बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं देख चुका हूं। आप मुझे बताइए, एक गाय अत्यधिक केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करने की उस क्षमता को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है तो मनुष्य कहां होगा, मनुष्य की क्या स्थिति होती होगी। अभी बताया अभी माननीय शिवराज जी ने कि कैसे देश के अंदर अत्यधिक केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करने के बाद कुछ राज्यों को अपने यहां से कैंसर ट्रेन ही चलानी पड़ी है। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखता हूं, आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर गरीब के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुई है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर मेरे पास लोग आते हैं मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे के लिए, और जो भी मेरे पास एप्लीकेशन आता है हम उसको तत्काल धनराशि उपलब्ध भी कराते हैं। और मैं देखता हूं सर्वाधिक मामले कैंसर के होते हैं। याद करिए आज से पहले इतना भयावह दृश्य नहीं था। लोगों की हो सकता है कि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत न रही हो, लेकिन बीमारी इस रूप में नहीं। किसी गांव में आप जाइए उस समय इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। आज तो हम लोग देख रहे हैं गांव में जाते हैं युवा लड़कों पर किसी की किडनी फेलियर हो रही है, किसी को हार्ट की बीमारी हो गई है, कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया है। पहले देखते थे कि 20-25-30 गांव में कोई एक व्यक्ति को बीमार हो जाता था, लोग ये मानते थे कि कैसे हो गया, पूरा हाहाकार मचता था। आज एक कॉमन बन चुका है। कारण है खान पान कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, इसने नई नई बीमारियों को जन्म दिया है, नए तौर तरीके आगे बढ़े हैं और हमें इसके बचाव का जो एक नया मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और वह है प्राकृतिक खेती का। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को और भारत सरकार को कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 3 वर्ष पहले प्राकृतिक खेती के लिए जिस एक अभियान को आगे किया था आज उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। और मैं इस अवसर पर गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का हृदय से मैं धन्यवाद दूंगा कि जब भी हम उन्हें आमंत्रित करते हैं वे उत्तर प्रदेश में आकर के हमारे कृषि विशेषज्ञों के साथ, किसानों के साथ यहां संवाद बनाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और आज इसके बारे में लोगों के मन में एक भाव जागृत हुआ है। वो सच है, पहले शुरू शुरू में लोगों के मन में एक भाव था कि क्या होगा, कैसे होगा, और खासतौर पर कृषि विशेषज्ञ जो थे, इसके एक्सपर्ट जो थे, उन लोगों में कुछ ज्यादा ही वो था, अरे हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज जब वह उसके डेमोंस्ट्रेशन को देखते हैं और इसमें जो बताया गया है कि हमें बीज से लेके बाजार तक इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास खेती योग्य जो भूमि है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 12% यूपी के पास, लेकिन जितनी भूमि हमारे पास देश की है इसमें 17% आबादी रहती है और उत्तर प्रदेश इसी देश की कुल कृषि उत्पादन से संबंधित कृषि योग्य भूमि में हम देश के अंदर 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं।
पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास है, लेकिन अब हमें आज की आवश्यकता के अनुरूप उस क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो हैप्पीनेस इंडेक्स को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतार सके। पहले भारत के बारे में क्या धारणा थी कि लोगों के पास साधन कम थे तो आवश्यकताएं भी कम थी, आवश्यकताएं कम थी तो व्यक्ति में खुशहाली ज्यादा थी, और हैप्पीनेस इंडेक्स को उस खुशहाली के साथ जोड़ करके जब हम देखते हैं तो व्यक्ति अपने आप में मस्त रह करके व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। हम देखते थे गांव में उस सरकार पर निर्भरता उसकी ना के बराबर थी, ना के बराबर सरकार पर निर्भरता, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में जब बात आती थी बढ़ चढ़ करके भाग लेता, देश की आजादी का प्रश्न हुआ तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, किसी ने प्रैक्टिस छोड़ दी, किसी ने खेती बाड़ी छोड़ दी, किसी ने स्कूल छोड़ दिया और कहा देश को आजाद कराना है, देश की अपेक्षा कुछ नहीं, लेकिन आजादी की मुहिम में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश के उन लोगों ने उस समय की पीढ़ी ने अपने आप को समर्पित साधा किया। आज हम चाहते हैं सब कुछ देश हमें दे, लेकिन हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, यह भाव मुझे लगता है हमें छोड़ना ही पड़ेगा, और उस दृष्टि से आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की आवश्यकता है उत्पादन भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ वह जो व्यक्ति इसका उपयोग करे उसके लिए यह लाभदायक भी हो। इसमें हम लोगों को एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक 5वां विश्वविद्यालय भी हमारा कृषि विश्वविद्यालय का बनने जा रहा है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं और 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। इन सभी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र और हर जनपद में मंडी समिति को भी हम लोगों ने कह रखा है कि प्राकृतिक खेती से जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी खाद्यान्न आता है, उसके सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और 20 से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और फिर जब वह बाजार तक पहुंचे तो उसको तत्काल सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके अच्छा दाम मिले, उसके लिए हर मंडी में इसके लिए स्टोर बनाइए, वहां से इसका दाम मिले, इसका प्रचार प्रसार हो, और कुछ जगह हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हम लोगों ने सभी 6 की 6 कृषि विश्वविद्यालयों से कह रखा है कि आप अपने यहां सर्टिफिकेशन की लैब्स इंप्रूव करिए, धनराशि स्टेट गवर्नमेंट आपको उपलब्ध कराएगा, और हम लोगों ने मंडी से उस धनराशि की व्यवस्था के लिए पहले से प्रावधान कर दिया। अभी वहां पे तो पहले से लैब है, उस लैब को उनको थोड़ा सा अपग्रेड कर देना है, और एक कार्यक्रम भी हम लोग प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। अभी यहां पर आचार्य जी इस बात को कह रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गुजरात में एक विश्वविद्यालय को, कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक विश्वविद्यालय, प्राकृतिक खेती से संबंधित विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया है। इसमें एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, वेजिटेबल का हो, इस सब का उत्पादन जो भी हो वह प्राकृतिक पद्धति से हो, और इसके लिए प्रशिक्षण और इस पर शोध के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से कार्यक्रम वहां पर उन्होंने प्रारंभ किया है। और यहां पर मैंने कृषि मंत्री से भी कहा है किसी एक विश्वविद्यालय को हम लोग इसके लिए चयन करें, खासतौर पर जहां पर तत्काल हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। 9 क्लाइमेटिक जोन यूपी के अंदर, हर क्लाइमेटिक जोन में हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और हम चाहेंगे कि इसमें हम प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक हॉर्टिकल्चर को
प्राकृतिक वेजिटेबल को, प्राकृतिक पद्धति से इन सभी को हम उसके साथ आगे बढ़ा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र देखने लायक स्थिति में बन चुके हैं। 2017 के पहले तो स्थिति वहां पे बड़ी अराजकता की सी थी, जंगल उगे हुए थे। आज हम देखते हैं हर कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू हुई है। आज वे देखते हैं वहां पर कि वहां पर जैसे कुछ भी देखो तो वहां पे कुछ ना कुछ किसानों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, वेजिटेबल के लिए या फिर अन्न श्री अन्न के लिए या फिर वेटनरी के लिए। अच्छा गोवंश हो, मैंने देखा है आचार्य जी के यहां कुरुक्षेत्र गुरुकुल में जाकर मैंने स्वयं देखा कैसे गाय की देसी नस्ल की ब्रीड को उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है प्राकृतिक पद्धति से ही। कैसे खेती विपरीत परिस्थितियों में अच्छी हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से हम खेती को भी कैसे बचा सकते हैं, यह भी मैंने अपनी आंखों के सामने वहां जाकर के देखा है। और उसके बाद जब मैं स्वयं देखा हूं तब मैंने अपने कृषि मंत्री और अन्य लोगों को यहाँ के अधिकारियों से भी कहा, मैंने कहा भी अब आप लोग एक बार फुर्सत निकाल करके होकर के आओ, देखो, पहले देखो और फिर औरों को दिखाओ, तो मुझे लगता है उसका लाभ होगा। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1,00,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में और गंगा जी के किनारे हमारे जो 27 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में इसके प्रति व्यापक जन जागरण का एक कार्यक्रम लोगों ने चला करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इसके परिणाम अच्छे आएंगे, बशर्ते हम सब अपने मिशन से पीछे न हट करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहां पर आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आचार्य जी का, माननीय शिवराज जी का, भारत सरकार से आए हुए अपने सभी अधिकारियों का, यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे कुलपतिगण हैं, कृषि विशेषज्ञ गण हैं, अन्नदाता किसान हैं, इन सब का इस क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके भारत के उज्ज्वल भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति इस पूरे अभियान के और कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत-बहुत